गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। इसमें हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई को किस तरह से हमें इनके सम को सॉल्व करना है तो वो सीखते हैं हम। फर्स्ट हमें याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ होती है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ होती है, और अगर हम कैंसिल करना चाहें तो नीचे वाले नंबर जो होते हैं वो ऊपर वाले नंबर के साथ ही कैंसिल होते हैं, आपस में ये कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। अब फर्स्ट सम को हम देखते हैं, 2/6 मल्टीप्लाई 54। अब यहाँ पे जो है 2/6 मल्टीप्लाई 54 जो है वो ऊपर है, हमें ये याद रखना है हमेशा। नीचे अगर कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1 लगा देना हमें। अब आप देखेंगे ऊपर है 2 और 54, नीचे है 6 और 1, तो हमें जो याद रखना है वो क्या कि हम ऊपर नीचे वालों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 से 6 भी कैंसिल हो सकता है, और 6 की टेबल में डायरेक्ट 54 भी आता है 9 पे, तो हम सीधा इसी को कैंसिल करेंगे। 6 9 जा 54, तो 2 9 जा कितना आ गया हमारा आंसर 18। तो हमें जो है इस तरह से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है आप करके देख सकते हैं, 8 है नीचे और ऊपर है 40, तो 7/8 और 40 के नीचे आप लगा दोगे 1, तो आपको क्या करना है, 8 जो है वो 4 की टेबल में 2 पे आता है और 40 जो है वो 10 पे, फिर से जो है 2 पे और 5। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट 8 की टेबल में 5 पे भी कैंसिल कर सकते हो, अगर आपको टेबल आती है तो। तो अब आप देखो नीचे जो है वो क्या क्या बचा, 1 और 1, लेकिन ऊपर बचा है 7 और 5, तो 7 5 जा 35। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला अगर आप सी सम देखो तो सी में जो है वो ऊपर है 3 और 1, नीचे है 4 और 2, और कुछ भी आपस में कैंसिल इसमें नहीं होता है ऊपर नीचे, याद रखना है। कभी आप 2 से 4 को कैंसिल कर दो, ये गलत हो जाएगा। हमेशा जो है सेनाएं बॉर्डर के आर पार ही लड़ाई करती हैं आपस में, तो वो मित्र होती हैं, तो हमें जो है याद रखना है ऊपर नीचे वाले ही कैंसिल होते हैं। तो अब जो है इसका आंसर बनेगा 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, इस तरह से। एक जो है ये भी सेम इसी तरीके से आपने करना है, 3 की टेबल में इसको कैंसिल कर सकते हो आप। उसके बाद इनको भी आपने इसी तरह से कैंसिल आउट करना है, जैसे 20 की टेबल में 20 2 जा 40, इस तरह से आप जो है इनको कैंसिल करेंगे, और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। उसके बाद जो है आप देखोगे ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बस आपको कैंसिल करना आना चाहिए। जैसे ये आपको करके दिखाता हूँ लास्ट, इसमें जो है आप देखोगे कि 25 ऊपर है नीचे 100 है, अगर आपको 25 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो 5 पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। 25 की टेबल में 4 पे 100 आता है, और जो है आप इनको भी कैंसिल कर सकते हो, 9 की टेबल में 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81, तो ऊपर बचा हमारे पास 9 1 जा 9 और नीचे बचा हमारे पास 4 4 जा 16, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड सम जो है, इसमें भी सेम है, बस थोड़ा फर्क है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें दिया गया है। तो पहला काम हमारा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। अब कैसे इसको करते हैं, जैसे 4 3/10, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, तो 4 3/10 है, तो आपको याद रखना है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है और जो आंसर आता है उसमें ये प्लस किया जाता है। जैसे 4 3/10 है तो कैसे करोगे आप, 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43/10, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा। तो आपने सॉल्व करने के बाद फिर इसको लिखना है 5/1 मल्टीप्लाई 43/10, इस तरह से आपने लिखना है इसको। अब 5 की टेबल में इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया 43/10, तो इस तरह से आप लोग जो हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, अगर आप सी देखो तो सी पार्ट भी ए बी सी सेम है तीनों के तीनों, फिर भी आपको करके दिखा देते हैं। तो ये बनेगा 20/1 और मल्टीप्लाई में, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 10 4 जा 40 प्लस 3 43, तो ये बन जाएगा 43/4। अब 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आप जो है 4 की 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है कि शुरू में बाय वाला नंबर दे दिया गया है 1/3, तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई और इसको कर देना है आपने सॉल्व। तो 10 6 जा 60 प्लस 3 63/10, अब 3 की टेबल आपको आती होगी, 3 की टेबल में इसको कैंसिल करो, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो यह आ जाएगा 21/10, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दोबारा चेंज कर सकते हैं, तो इतना रखोगे आप तब भी सही है। इसी तरह से ई पार्ट जो है, ई पार्ट में भी आप देखो 1/7 है, तो और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 14 4 जा और जो आएगा उसमें प्लस 3 कर दोगे, इसी तरह से ये आपको
सभी के सभी पार्ट जो हैं वो करने हैं, एफ और ई और डी ये सेम हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री वाले हैं उसमें दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन हैं, तो आपको सेम काम करना है। जी आपको करके दिखाता हूँ, इसमें क्या करना है आपको, पहले जो फर्स्ट वाला है उसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर देना है। फोर थ्री जा 12 और 1 13 बाय 3, और फिर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट वाले का करेंगे सॉल्व, तो 3 टू जा 6 और 1 7 बाय 2। अब जो है कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो 13 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 की 2 से, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो है समझने वाला है थर्ड सम। तो थर्ड सम में हमें बोला गया है कि इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल प्ले फुटबॉल, 3/5 प्ले क्रिकेट एंड रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल। तो हमें जो ऑफ वर्ड है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हमें याद रखना है। तो आपको जो लिखना है वो मैं बोलता हूँ, आपने लिख लेना है कॉपी में जो इसका बनेगी स्टेटमेंट। तो वो क्या बनेगी, पहले आपने लिखना है टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट हमें गिवन है कितने हैं 50। उसके बाद 1/5 ऑफ टोटल प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं वो आपने लिखना है 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टोटल, तो ऑफ के बाद जो होता है टोटल वो इसके मल्टीप्लाई में, तो इसको आप कैंसिल करो, 5 1 5 5 10 50, तो ये हो गया हमारे पास 10। उसके बाद आपको देखना है कि क्रिकेट वाले हैं 3/5 प्ले क्रिकेट, तो आपको लिखना है सी, क्रिकेट वाले कितने हो गए 3/5 मल्टीप्लाई 50। उसके बाद इसको साफ कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो 50 है इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 10 बनेगा, और 10 थ्री जा 30। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल कितने हैं 10, स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट कितने हैं 30, तो स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल वो कितने हो जाएंगे, टोटल है 50 माइनस फुटबॉल वाले 10 माइनस क्रिकेट वाले 30, तो 50 में से 10 गया 40, 40 में से 30 गया 10, तो ये तीनों हमें पता चल गए, फुटबॉल के 10, क्रिकेट के 30 और बास्केटबॉल के भी 10। अब आपको ए का आंसर लिखना है बास्केटबॉल, तो आप ए का आंसर दोगे 10, बी का आंसर दोगे फुटबॉल का 10, और सी का आंसर दोगे क्रिकेट का 30। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। स्टेटमेंट आपने बना के लिखनी है, पहले टोटल स्टूडेंट, फिर लिखना है स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, फिर आपने लिखना है स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, फिर आपने लिखना है स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट जो है ऑफ वाले स्टेटमेंट है, तो ऑफ का मतलब आपको अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल फर्स्ट सम जैसा है, बस आपको करना क्या है 1/3 हर एक तीनों के तीनों पार्ट में लिखना है 1/3 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट पार्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे 27, अगर आप सेकंड कर रहे हो तो 1/3 मल्टीप्लाई 39, और अगर आप थर्ड पार्ट कर सेकंड में ये है, थर्ड में 1/3 मल्टीप्लाई 18। उसके बाद नीचे इनके 1 भी लगाना है आपने, अब आप कैंसिल कर सकते हो, 3 की टेबल में 3 9 जा 27, तो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 9, इसको अगर आप करोगे तो 13, तो ये आंसर आ जाएगा 13, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कैंसिल करोगे तो 6। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है लास्ट, इसको भी अगर बी को भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 4/5 मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट अगर आपको कर रहे हो फर्स्ट, तो इसमें लिख दोगे आप 50 डिवाइड बाय 1, तो 5 1 जा 5 5 10 जा 50, तो 4 10 जा हो जाएगा 40। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है आप 100 के साथ करोगे, और उससे नेक्स्ट जो है 255 के साथ। लास्ट सम है राज रीड 1/4 ऑफ ए बुक इन 1 आवर। राज जो है 1/4, इसका मतलब क्या है कि पूरी बुक का चौथा हिस्सा जो है वो पढ़ लेता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक ही रीड इन 3 1/5 आवर्स। अब आप देखें क्या बोला गया हमें, 1 आवर में इतनी बुक पढ़ता है, तो इतने आवर में कितनी बुक पढ़ेगा, तो आपको सिंपल पहले इसको सॉल्व कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन को, तो ये बन जाएगा 5 3 5 3 जा 15 और 1 16 16/5 आवर्स। तो आपको लिखना है राज रीड बुक इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितनी बुक पढ़ता है वो 1/4, तो ही रीड द बुक इन 16/5 आवर्स, तो कितनी बुक पढ़ लेगा वो 1/4 मल्टीप्लाई 16/5, इसको नीचे से थोड़ा रफ कर लेते हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं इसको,
तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 मल्टीप्लाई 16/5। अब 4 की टेबल पे आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, तो आंसर आ गया 4/5। तो कितना बुक पड़ेगा वो 4/5। तो इसी तरह से आपने इस सम को सॉल्व करना है। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, राज रीड द बुक इन 1 आवर, सॉरी साथ में आपने पोर्शन लिख देना है, फ्रैक्शन ऑफ बुक। तो आपने लिखना है राज रीड इन 1 आवर 1/4, तो ही रीड द फ्रैक्शन ऑफ बुक इन 16/5 आवर्स, तो आपने लिख देना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16/5। कैंसिल करेंगे आप इसको तो ये बन जाएगा 4/5। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2A।